हेलो पीपल, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो एंड इस चैनल पर भी आप सभी का स्वागत है. सो इस चैनल में बेसिकली अगर कोई लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं अभी कोइंसिडेंटली इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना मुझे लगता है ऐसा ज़रूरी है. फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू और इन्फॉर्म यू रादर दैट द इंटायर सेशन दैट आई टेक हियर ऑन दिस चैनल दिस इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाइलिंगुअली. ठीक है, सो मैं दो भाषाओं का यूज़ करती हूँ, इंग्लिश और हिंदी, अपनी बातों को आपके सामने रखने के लिए. नाउ दिस इज़ बेसिकली एन एजुकेशनल चैनल यू कैन से. सो पर्टिकुलरली वी डू स्टडी अबाउट डिफरेंट एग्जामिनेशंस. हाउएवर व्हाट आई फोकस ऑन हियर इज़ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के ही सारी चीज़ें स्ट्रक्चर की जाती हैं. बट ऑफकोर्स सिंस हम जनरल स्टडीज़ पोर्शन करते हैं, बेसिक एनसीईआरटीज़ अभी तो पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी आगे पढ़ेंगे, तो वो किसी भी एग्जाम में आपको जनरल स्टडीज़ के तौर पर मदद करेगी. ठीक है, सेकेंडली सिंस ये मेरा अपना चैनल है, दिस इज़ माई ओन चैनल एंड आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड अनदर प्ले लिस्ट रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड सम अदर स्टफ्स. सो आई एम नो वन टू गिव यू एज सच एनी मोटिवेशनल टॉक. मैं खुद को उस लायक अभी नहीं समझती, लेकिन चूंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, यू नो, बाय अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लाइक आई एम ऑन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन ऑन अनअकैडमी. सो द मैसेजेस लाइक वट आई रिसीव ऑन दीज वेरियस प्लेटफॉर्म्स allows me, or you can say somehow tells me, that I should go ahead with making a certain kind of motivational videos as such also, so that jinki similar queries hai usko ek public platform par answer kiya ja sake. So I just try doing the in whatever is possible in best of my capacity, and that's personally my opinion. उसके अलावा NCERT series जो आपको screen पर दिख भी रही होगी, जो हम अभी chapter 2 करेंगे, chapter 1 हमने कर लिया है, उसके अलावा नोट मेकिंग वीडियोज आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन जस्ट चेक देम आउट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना किसी भी वीडियो का मत भूलिएगा, बिकॉज आपको वहाँ पे जो भी प्लेलिस्ट्स बन रही हैं उन सब के लिंक्स डायरेक्टली मिल जाएंगे. सो इन केस यू आर नॉट चेकिंग इट इंडिविजुअली, यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. एंड लास्टली, इफ यू लाइक दीज वीडियोज, इफ दे आर हेल्पफुल टू यू इन योर प्रिपरेशन, इन योर अंडरस्टैंडिंग, इन योर मेथडोलॉजी, kindly like the videos, comment, share, and do not forget to subscribe the channel, right? So okay, I think I'm done with all these things. Anyways, you can also follow me on other social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, and Academy as well. That's the India's largest learning online platform. So there also I have been doing like these courses since 2 years now. I am still continuing there. सो वो सब आप चेक कर सकते हैं. अभी हम क्लास शुरू करेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हम बात करने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की. ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे. इस बुक का क्या नाम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. नाउ द चैप्टर 2, चैप्टर 1 इज ऑलरेडी कवर्ड, 3 पार्ट्स में करा, उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. चैप्टर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. I would suggest those who are just starting with the preparation, अगर लक्ष्मीकांत शुरू कर रहे हो या अभी तक नहीं किया है, सोच रहे हो, तो पहले ये वाली NCERT कर लो, then go for the book लक्ष्मीकांत, so that it helps you in building your foundation in a better way. Okay, now if you start the introduction of this topic, it says a constitution is a document that sets limits on the powers of the government. So constitution के ऊपर काफ़ी detail हमने पहले chapter में पढ़ा, जहाँ हमें ये समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है इन केस ऑफ अ फ्यू कंट्रीज, जहाँ पर कि एक कंट्री या एक स्टेट को कैसे फंक्शन करना है उसके पावर्स पता चलते हैं. एट द सेम टाइम सिर्फ पावर्स ही नहीं पता चलते, ये भी पता चलता है दैट हाउ द गवर्नमेंट्स पावर इज लिमिटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के या गवर्नमेंट के पावर को भी कैसे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करता है, ताकि गवर्नमेंट ऐसा कुछ ना करे जो सिटीजन्स के हक में ना हो. तो सिटीजन्स के हक को, और यू कैन से यू नो इंडियंस के हक, अभी अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियंस के हक को प्रिजर्व किया जाता है. ऑल्सो इट इंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सन्स इंजॉय सर्टेन राइट्स. तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, सेट्स लिमिट्स जो है, डॉक्यूमेंट है, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इंश्योर किया जाता है जहाँ सारे लोगों के जो अधिकार हैं, मतलब उनके जो कुछ अधिकार हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, और ये ध्यान दिया जाता है कि ये लोग अपने अधिकार को जी पा रहे हैं या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है.
Now, in the Indian Constitution of or in the Constitution of India, the Part 3 deals with fundamental rights. अगर आपने मेरे note making session को देखा होगा, जो polity पर specific था और एक general वाले में भी, I have discussed about these things. मैंने आपको बिल्कुल part wise, article wise वो list दिखाई है. How do you go ahead, you know, making notes in Indian polity for Indian polity? तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है? Part 3 fundamental rights है. कॉन्स्टिट्यूशन का एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास ऐप्स भी होते हैं, अलग बुक्स भी होती है. सो आई वुड से व्हेनेवर यू आर स्टडिंग लक्ष्मीकांत, यू नो, कोलैबोरेट दैट पोर्शन विद द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, द बेयर आर्टिकल्स. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे. और यही ये जो फंडामेंटल राइट्स की हमने बात करी है, दे ऑल्सो यू कैन से और दिस पार्ट ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट द लिमिट्स ऑन दीज राइट्स. ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही अपने मर्जी से कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स में. वो डिटेल्स क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे. सबसे पहले हम उस राइट्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे. जैसे जब हमने समझा था फर्स्ट चैप्टर में कि कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है वो तो समझ गए. क्यों इंपॉर्टेंट है समझना भी ज़रूरी है. दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वॉट आर द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी मच नीडेड. ऑन अ सिमिलर बेसिस व्हेन वी से दैट Part 3 of the Indian Constitution contains certain rights which are called as fundamental rights, there must be a certain importance which is attached to those rights, right? So, firstly, हमें ये समझना होगा कि किसी भी individual के, ठीक है, कि का जो अधिकार है जीने का और उनके freedom का, liberty का, उसको protect करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार है. That is your fundamental right. How do you live? What liberties do you have? You cannot access them when it is harming someone else, that is something else. But you do have your rights and those needs to be protected. Another thing is, जब हम ये कह रहे हैं कि किसी के जीने का अधिकार या किसी के फ्रीडम का अधिकार पर हमें ध्यान देना है, तो हमें ये भी समझना होगा कि वो एक्चुअली बुक में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. सो यू नो दीज लाइन्स आर बेसिकली द कंक्लूजन और यू कैन से द इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम दोज एग्जाम्पल्स. सो बेसिकली बात यहाँ ये हो रही है कि अगर पुलिस के पास कोई केस जाता है किसी और, ठीक है, अगर कोई इनोसेंट है और अगर उसके अगेंस्ट किसी तरह के केसेस हो रहे हैं, अगर ये बात पुलिस को या फिर जुडिशरी में आगे बताई जाती है कि ठीक है ये केसेस हैं और इनका हियरिंग होनी है या ट्रायल है, जो भी है होना है, अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं वक्त पे, तो और बाद में डेढ़ साल, दो साल, पाँच साल खिंच जाता है किसी इंसान के अगेंस्ट अगर केस दर्ज है, तो और पाँच साल या दो साल बाद पता चलता है कि वो इंसान, मतलब यू नो ही वॉज नॉट दी कन्विक्ट, यू कैन से उसने गलत नहीं किया था, तो अब उसको उसके वो जो भी ड्यूरेशन है, दो साल, पाँच साल, एक साल, इवन इफ यू नो देर आर फ्यू मंथ्स इन्वॉल्व इन दैट, सो वो इंसान का वो पूरा लाइफ टाइम तो वेस्ट हो गया ना. सो द थिंग इज कि फेयर एंड स्पीडी ट्रायल बहुत ज़रूरी है. अगर कोई केस है तो वो बहुत फेयर तरीके से, बहुत जस्ट तरीके से और बहुत जल्दी उसका ट्रायल होना ज़रूरी है. तो लाइफ और लिबर्टी में ये चीज़ें भी आती हैं ताकि आपके ज़िंदगी के वो साल बर्बाद नहीं हो. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग अंडर द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स बेसिकली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी देती है कि एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपके ऊपर किसी तरह का अत्याचार हो रहा है, ठीक है, किसी तरह आपको किसी तरीके से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास कुछ अधिकार हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करती है कि ये आपके अधिकार है, आपके ही रहेंगे, आपको मिलेंगे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस इंश्योर्स जस्टिस. अ डेमोक्रेसी ऑल्सो मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन राइट्स एंड दीज आर टू बी ऑलवेज रिकोगनाइज बाई द गवर्नमेंट. सो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी और अ कंट्री दिस ऑल्सो नीड्स टू बी इंश्योर्ड कि इंडिविजुअल के राइट्स तो होने ही हैं, हर एक पर्टिकुलर इंसान के अपने जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो तो होने ही हैं, और उनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज भी करे, गवर्नमेंट भी उस चीज़ को समझे कि ये इनके अधिकार हैं और हम उनसे वो नहीं छीन सकते. मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज देयर इज़ अ प्रैक्टिस. ठीक है, एंड व्हाट इज़ दिस प्रैक्टिस? टू लिस्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ, लाइक इट इज़ हैपेंड इन इंडिया ऑल्सो. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो लोगों के अधिकार है, सिटीजन्स, नागरिक जो हैं, उनके अधिकार हैं, उनको लिस्ट कर दिया जाता है. नाउ you know, so these rights which are listed, they are mentioned and protected by the constitution and that is called as bill of rights. So ye term aapko bahut zaruri hai yaad rakhna. Bill of rights basically kya ho gaya, aapke wo rights, theek hai, jo mention kiye jate hain aur jo constitution protect karta hai. Now these bill of rights, they prohibit the government from acting against individual's right. To agar koi government kisi इंडिविजुअल के अधिकार के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है, ऐसा इंश्योर नहीं कर रही है कि उसको जस्टिस मिले या उसके राइट को प्रिजर्व किया जाए,
तो ये बिल ऑफ राइट चूंकि ऑलरेडी लिस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वहां इस चीज को हेल्प करता है कि गवर्नमेंट को प्रोहिबिट किया जाए, रोका जाए कि आप लोगों के अधिकार छीन नहीं सकते, ठीक है. एंड ऑल्सो इट इंश्योर्स अ रेमेडी इन केस ऑफ देयर वायोलेशन. तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को वायलेट करती है, लोगों के अधिकार पर नहीं ध्यान देती है, या कुछ ऐसा करती है कि उनके अधिकार छीने जाते हैं, तो उन्हीं बिल ऑफ राइट्स से हमें रेमेडी भी पता चलती है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी पता चलता है, ठीक है. नाउ व्हेन वी से दैट इंडिविजुअल्स राइट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, किसी आम आदमी का जो अधिकार है, एक सिटीजन का अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. तो किससे प्रोटेक्ट करना जरूरी है, यू नो व्हाट इज अ थ्रेट टू दैट, टू द राइट ऑफ एनी पर्सन. सो द थ्रेट कैन कम फ्रॉम अनदर पर्सन. आई कैन हार्म समवन, समवन कैन हार्म मी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो दैट थ्रेट टू द राइट कैन कम फ्रॉम अनदर पर्सन, फ्रॉम एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. Now, if it is happening in the case of another person or some private organization, so government has to ensure, it is government's duty to basically ensure, ठीक है, or you can say to protect the citizens' rights, ठीक है. However, in course of functioning, जब government अपने function को carry करती है, sometimes it might happen that the government also, you know, threaten the right to the person. Sometimes in course of functioning that can happen. So it is basically the government's duty to ensure कि ना तो उनके काम के वजह से किसी तरह का threat हो लोगों के अधिकार में, और या तो दूसरे organization या individuals की वजह से. So this was the introduction, you can say, or importance, etc. Now when we see the section on fundamental rights in the Indian constitution, so basically हमें समझना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कब जब लोगों ने समझा कि लोगों के पास अपने अधिकार होने चाहिए, ठीक है, उनके अधिकार को आप नहीं ले सकते, आप उनको बेड़ियों में नहीं बांध सकते, आप उनको अपने तरीके से काम नहीं करा सकते. एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट, राइट. तो हाँ, आप इंडिपेंडेंस का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो भी एक अलग एस्पेक्ट है. तो ये जो इम्पोर्टेंस है राइट्स की, ठीक है, ये जो महत्व है अधिकारों का, ये कब समझा गया, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर लोगों ने समझा. इनफैक्ट जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश तक को इस चीज़ के लिए समझाया था, ठीक है, और यू कैन से कि अपने तौर तरीके से, नो वट एवर मेथोडोलॉजी दे यूज्ड, सो बेसिकली दे डिड कन्वे इट टू द ब्रिटिश टू सी दैट पीपल्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड. सो ये जो अधिकारों का महत्व है ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम ही समझा गया था. Also, there is one instance which proves that. So, in 1928, Motilal Nehru Committee did demand for Bill of Rights. Okay. Now, so the Constitution listed these rights which would be specially protected, and the Constitution called them as fundamental rights. So, freedom struggle के बाद जब you know Constituent Assembly वगैरह की बात तो हो ही गई है, मैंने पढ़ाई दिया है. तो जब वो provisions बन रहे थे Constitution के, तो ये बात हुई कि ये जो rights है, ये जो अधिकार है, वो भी list किए जाएंगे Constitution में. और इसको स्पेशल नाम दिया गया जो कि है फंडामेंटल राइट्स. नाउ व्हेन वी से फंडामेंटल, व्हाई डू वी यूज दिस टर्म फंडामेंटल, इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, इसकी भी अपनी एक महत्व है, ठीक है. क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल वर्ड ही ये बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर नॉट लाइक द अदर नॉर्मल राइट्स, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स. ऑल्सो फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सेपरेट लिस्टिंग भी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन में. हर इंसान के पास सारे जो अधिकार होते हैं ना, वो सारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है. देयर आर सर्टेन बेसिक राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स, जिसको मौलिक बोलते हैं, वो है, ठीक है, उनको अलग से लिस्टिंग मिली है. ऑल्सो देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है. देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड. सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स, यू नो, दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच मेक दीज राइट्स फंडामेंटल, एंड देयरफॉर इसकी एक अपनी जगह है, उसका एक अपना सिग्निफिकेंस है. Now these fundamental rights are also different from the other available rights. How they are different, we'll just see. So basically, on the one hand, you see ordinary legal rights, जो normal, जो legal तरीके से, ठीक है, कानूनी तौर पर जो अधिकार हैं, और एक तरफ आपके मौलिक अधिकार हैं, fundamental rights. तो अगर हम ordinary legal rights की बात करेंगे, now these are the rights which are protected and enforced by ordinary law. नॉर्मल जो कानून होता है उसके अकॉर्डिंग इसका सारा मतलब फंक्शनिंग जो है वो चलता है, प्रोटेक्ट किया जाता है या इन्फोर्स किया जाता है. हाउएवर फंडामेंटल राइट्स के केस में ये कौन प्रोटेक्ट करता है, दीज आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. लॉ नहीं कर रहा है उस चीज़ को, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं वो कर रहा है.
The ordinary legal rights may be changed by the legislature by ordinary process of law making. तो जो legislature, क्योंकि आपको पता है law बनाने का काम legislature का है, तो normal law making process से अगर वो लोग चाहें तो rights में बदलाव किया जा सकता है, ordinary rights में, ordinary legal rights में. But in the case of fundamental rights, they may only be changed by amending the constitution itself. कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, सिर्फ एक लॉ पास कर देने से नहीं होगा. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोविजंस हैं वो करने पड़ेंगे. वो क्या प्रोविजंस है वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत. सो वी विल स्टडी अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ऑल्सो अ फ्यू मोर थिंग्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स. एक्चुअली इस केस में ये भी होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कोई भी ऑर्गन, ठीक है, बीट एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दे cannot act in a manner that violates these fundamental rights. वो इस तरीके का कोई काम नहीं कर सकते हैं जो लोगों के इन अधिकार के अगेंस्ट हो. Judiciary has the powers and responsibility to protect fundamental rights from violations by actions of the government. Why have I mentioned these points separately like these? I could have just said it verbally and I could have imagined that you are already understanding it because it is self-conveyed or it is understood. No. प्रीलिम्स में वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने नहीं इमेजिन किया है. अगर सब कुछ ऐसा ही पूछा गया जो सबने सोचा ही होगा तो फिर तो सभी का एग्जाम निकल जाएगा ना. हाउ डू दे यू नो सिलेक्ट पीपल प्रीलिम्स में. ठीक है, तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर इफ़ दे आस्क यू इन द प्रीलिम्स दैट यू नो विच अथॉरिटी और विच ऑर्गन हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, और यू कैन से कि इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट में भी आ सकता है. सो रिमेंबर, जुडिशरी हैज़ द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये फंक्शन या आप बोल सकते हो ये जिम्मेदारी जुडिशरी के पास है कि गवर्नमेंट के एक्शन से लोगों के फंडामेंटल राइट का किसी तरह का वायलेशन नहीं होना चाहिए. ये जुडिशरी को ध्यान देना है. ठीक है, और अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट को या वायलेट करते हैं तो जुडिशियरी वैसे एक्शंस को इलीगल करा देती है. इट इज़ द जुडिशियरी विच कन्वेज और यू कैन से यू नो डिक्लेयर्स दोज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और यू कैन से बीट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एज इलीगल. तो किसी भी तरीके से लोगों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना है. ठीक है, दिस हैज टू बी इंश्योर्ड दैट इज डन बाई जुडिशियरी. ओके, हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट सिटीजन्स को तो बहुत अधिकार मिल गए और गवर्नमेंट उसमें उनके अधिकार को छीन नहीं सकती है. Also, what you have to remember is that these fundamental rights are not absolute. Again, a very important point for your prelim or MCQs. They are not absolute. मतलब आपको बस मिल गया तो कुछ भी कर लो नहीं, या unlimited rights नहीं है. There are certain reasonable restrictions which can be put by the government. वो किस केस में होता है that again will be seeing लक्ष्मीकांत में. ठीक है, अभी मैं सिर्फ NCERT को फोकस कर रही हूँ तो उसी के कंटेंट की समरी है ये. ओके, so we'll just quickly see what are the different fundamental rights written in part 3 of the Indian constitution. Har right ke apne apne aur bhi elaborations hain, theek hai, under them also there are details, wo hum alag se karenge. So basically you have right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies. Ye aapko sare rights ke naam jo hain wo yaad rakhne hain. जो भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन इन्होंने हर इंडिविजुअल राइट के बारे में दिया है इन दी एनसीईआरटी दैट आई विल बी डीलिंग एंड सेपरेटली सीइंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वन हैंड एंड सीइंग दी लक्ष्मीकांत ऑन वन हैंड देन वी विल बी डूइंग यू नो दिस सेशन अगेन इन अनदर कोर्स. तो वहाँ पर बिल्कुल एक एक आर्टिकल को हम पढ़ेंगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद बेसिकली फ्रॉम हियर, राइट टू इक्वालिटी, राइट. ओके, दिस राइट एक्चुअली डज वॉट इट does away with discrimination or it ensures that they try to do away with discrimination. Discrimination, bhedbhav kis kis basis par ho sakte hain, religion, race, caste, sex, place of birth, in sab basis aur bhi basis par, theek hai, discrimination ho sakte hain, but basically if the discrimination are done on these basis, the right to equality ensures ki is tarah ka koi bhi discrimination in sab basis par na ho, bhedbhav na ho. तो इसका अदर एस्पेक्ट क्या है कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस जो हैं, ठीक है, जैसे कोई शॉप है, होटल है, एनी प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, कुएं हैं, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप, तो लोगों को इक्वल एक्सेस मिले. कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी जगह उसका प्लेस ऑफ बर्थ है, इन चीज़ों से, या रेस और सेक्स ऑफ कोर्स, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल एक्सेस मिलेगा. ऑल्सो दिस राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सॉरी फॉर दिस लाइन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है,
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, क्योंकि जब हम बात पब्लिक की कर रहे हैं और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट वहाँ पर ठीक है इन्वॉल्व हो रही है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की जो प्रथा थी, ठीक है, बहुत ही खराब प्रथा, बहुत बहुत ही खराब प्रथा। सो दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि किस हद तक इनइक्वालिटी थी, ठीक है, सोसाइटी में। अभी भी है, इट्स नॉट कम्प्लीटली डन अवे विथ, बट स्टिल एटलीस्ट अनटचेबिलिटी की चीज़ को अबॉलिश किया गया है। तो ये भी राइट टू इक्वालिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना होगा। ऑल्सो देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द स्टेट्स शैल कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड। सो ये जो टाइटल देने की बात होती है कि अपने नाम के आगे कोई भी इंसान कोई भी टाइटल लगा लेने की बात सोचे या स्टेट्स दे रहे हैं, सो दे आर नॉट अलाउड, ठीक है, एक्सेप्ट दोज पीपल जिन्होंने मिलिट्री फील्ड में या एकेडमिक फील्ड में, जैसे डॉक्टर वगैरह की जो उपाधि लगती है, ठीक है, इवन इफ यू आर लाइक PhD, तो इस तरह के टाइटल्स आर अलाउड, उसके अलावा ऐसा और टाइटल्स आप नहीं दे सकते। ये हर आर्टिकल का एक डिटेल भी होगा, डोंट वरी, वो एग्जैक्टली मतलब टाइटल को लेकर के क्या इशू है और नहीं है वो सब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स में। देन दिस ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट दैट दिस राइट टू इक्वालिटी, यू नो, इट इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा रिलेशन लगेगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। नो, वेन वी से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी विल से कि ठीक है, दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होना चाहिए कि सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर इस सोसाइटी का कोई भी सेक्शन का कोई भी इंसान किसी चीज़ में मौका ढूंढने जा रहा है तो उसको बराबर तरीके से मिलने चाहिए। बट देर इज समथिंग विच वी कैनॉट इग्नोर इन आर सोसाइटी, विच इज द वेरियस काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट हियर। तो एक तरफ जब हमारे समाज में बहुत इनइक्वालिटी है, बहुत असमानता है, अलग अलग प्रकार की असमानता है, ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी से कि हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है तो वो कैसे मैनेज होगा। देयरफॉर देयर इज अ आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, आर्टिकल 16(4), विच सेज गवर्नमेंट, आई एम नॉट रिकोटिंग द एग्जैक्ट आर्टिकल बट स्टिल द इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी द इन्फ्रेंस इज लाइक दिस, गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को बिल्कुल आपको दिख रहा है एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल क्लियरली क्लैरिफाई करता है कि किसी भी तरह का अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, अ पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमने बोला कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है, तो अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है एंड ऑन दी अदर हैंड वी नो कि बहुत इनइक्वालिटी है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। सो देयरफॉर दिस एस्पेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इफ़ यू सी द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेस्ड ऑन दैट ये करना ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए ये आर्टिकल इस चीज़ को बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है ये कि किसी भी तरह का स्पेशल स्कीम्स या मेजर्स जो हैं वो ला सकते हैं, लागू कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लाइक विमेन, चिल्ड्रेन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इन टू द डिबेट ऑफ रिजर्वेशन, वेदर इट इज़ गुड, वेदर इट शुड हैपन ऑन वॉट बेसिस आर नॉट, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग टू डू। आई एम जस्ट टेलिंग यू वट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, ठीक है, सो देर विल बी नो डिबेट इवन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई रिपीट, ओके। उसके बाद होगा राइट टू इक्वालिटी के बाद राइट टू फ्रीडम एंड देन ऑल दी अदर राइट्स, उसका बस आपको मैंने यहाँ पे हिंट देके छोड़ा हुआ है बिकॉज आई विल बी कंटिन्यूइंग दैट फ्रॉम अनदर पार्ट इन दी अनदर पार्ट। जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट, येस, सो राइट टू इक्वालिटी इज डन, फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर द वंस विल बी टेकिंग अप इन अनदर क्लास। ठीक है, सो आई विल सी कि दो ही पार्ट्स में कवर हो जाता है या तीन पार्ट करने पड़ते हैं, बट अगैन वेरी लॉन्ग वीडियो विल नॉट यू नो इंटरेस्ट यू मच, सो विल ट्राई टू कीप इट जितना ज़रूरी हो। सो ठीक है गाइज, आई विल बी मीटिंग यू इन अनदर पार्ट, आई विल ट्राई मेकिंग दैट वेरी सून। ऑल्सो on different platforms, I have asked you a query, ki not a query exactly, poll kind of thing hai, ki aap different books ka option maine diya hua hai, Lakshmikant diya hua hai, maine G.C. Leong diya hua hai, maine Spectrum Modern Indian History di hui hai aur maine Shankar IS ki Environment and Ecology di hui hai, in charon mein se kisi ek par main yahan par YouTube mein apne course banana start karungi, theek hai, full fledged course, not only showing you how to make notes, entire course, like the summary I have been doing for NCERTs,
तो आप अपने ओपिनियन, अगर आप अभी सुन रहे हैं, आपने बाकी प्लेटफॉर्म पे मेरे नहीं पढ़ा है या सुना उस चीज़ को, तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं. एक से दो दिन आई विल बी वेटिंग एंड देन आई विल स्टार्ट यू नो एज पर दी मेजॉरिटी वोट. ठीक है, तो ठीक है, मैं चलती हूँ अभी, अगले पार्ट में मिलते हैं. एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दी चैनल. थैंक यू सो मच, लाइक कॉमेंट एंड शेयर एज वेल. बाय बाय गाइज, टेक केयर.